चलो ये डोर खोल लो। ग्रैनी, आज हम वापस से 5 सेकंड में एस्केप करने वाले हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। सॉरी ग्रैनी, तू अंदर नहीं आ सकती। चल ठीक है, डोर को बंद कर। ओके, बस हमारे को करना कुछ नहीं है, यहाँ पर खड़े हो जाना। देख रहे हो भाई, हम सीधा रास्ते में आ गए यार, यहाँ से हमारा एस्केप हो जाएगा। वाह, तो आज हम करने वाले हैं ग्रैनी के हाउस में 5 सेकंड में एस्केप। नहीं 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 नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको लाइव बताऊंगा यार। हम कैसे मान ले कि तू जो बोल रहा है सच बोल रहा है, सच के सिवा कुछ और नहीं बोल रहा है यार। पिछली बार भी तूने हमारे को उल्लू का पट्टा बनाया था यार। नहीं, मैं उल्लू का पट्टा नहीं बनाऊंगा यार, तेरी सर की कसम भाई। मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया भाई। ओके चलो ठीक है दोस्तों, वैसे आप फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना गेम स्टार्ट करते हैं। मेरे को 5 सेकंड में एस्केप करना है यार, मैं टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ओके, यहाँ पर शोर शराबा हो गया है। ग्रैनी, ओ मेरी प्यारी ग्रैनी, रुको रुको, ग्रैनी आ गई, जिंदगी बिगाड़ दी, अब क्यों यहाँ पर आई हो, प्लीज मेरे को माफ कर दे, मैं ग्रैनी यहाँ से जा रहा हूँ। ओके, कुछ ज्यादा हो गया यार। ज्यादा नहीं भाई, बहुत ज्यादा हो गया यार, तू 5 सेकंड में एस्केप करने वाला था कांजो। भाई ये तो मैं भूल ही गया था यार, अच्छा हुआ तूने याद करा दिया। चलो ठीक है, हमारे को खड़े होना है, पलंग के नीचे सुतना है, ये दोनों काम अगर साथ में करते हैं तो हमारा ग्लिच एक्टिवेट हो जाता है यार, पिछली वाली वीडियो की तरह। ओके ग्रैनी, मेरे को घूम के जाना होगा। क्यों ग्रैनी मेरे पीछे पड़ी हो, मेरे को यहाँ पर ग्लिच एक्टिवेट हो गया है, बस मेरे को वो ट्रिक करनी है। ट्रिक नहीं भाई, वो ग्लिच बोलते हैं उसको। चलो ठीक है, यहाँ पर शोर शराबा कर दिया। ग्रैनी चल फटाफट यहाँ पर आजा, मैं 5 सेकंड में एस्केप करने वाला हूँ, वो भी किचन एस्केप, इसको बोलते हैं भाई किचन एस्केप। ओके यार ज्यादा हो रहा है, ये वाला डोर खोलो। ठीक है ग्रैनी, आजा 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 आजा। ओके बाय बाय ग्रैनी, हम सेफ जोन में आ गए यार। ग्रैनी यहाँ पर नहीं आ सकती, सॉरी ग्रैनी, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। बस करना कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर खड़े हो जा। बवंडर हो गया, मिस्टेक हो गई यार। ये कांजो, वो रास्ता तो ग्रैनी की कार को बाहर लेके जाने वाला रास्ता था ना यार, हम वहाँ से एस्केप कर सकते थे। कर सकते थे नहीं भाई, करेंगे यार, वहाँ से ही करेंगे भाई 5 सेकंड में। उससे पहले मैं आपको एक और ग्लिच बताता हूँ यार, जो कि आपको पता होगा या नहीं, मेरे को नहीं पता है। तो चलो ठीक है, हमारे को खड़े होना है, साथ ही पलंग के नीचे छुपना है। अगर ये वाला ग्लिच हमने एक्टिवेट कर दिया तो इस बार मैं ग्रैनी को यहाँ पर बुलाऊंगा। चल ठीक है ग्रैनी, मैं यहाँ पर शोर शराबा करूंगा, 5 सेकंड में मैं स्किप करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक और ग्लिच बताने वाला हूँ। ग्रैनी कहाँ गई? ग्रैनी ग्रैनी, ओके ग्रैनी को आने दो भाई, मैंने यहाँ पर शोर शराबा कर दिया। ग्रैनी ग्रैनी आजा ना यार, ग्रैनी ओके आ गई यार, मेरे को ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ग्रैनी आ गई, ग्रैनी चला जा, ग्रैनी आजा आजा आजा। ओके मैं दीवार के आर पार जाने वाला हूँ। ओ भाई, ग्रैनी ग्रैनी मैं दीवार से आर पार गया हूँ, ग्रैनी मेरे पास सुपर पावर है, ग्रैनी मेरे को माफ कर दो, गलती हो गई। दीवार के आर पार जाने की निंजा टेक्निक कांजो को भारी पड़ गई। तो कुछ भी नहीं है भाई, मैं तेरे को एक और निंजा टेक्निक बताता हूँ यार, जो कि मैं स्पेशली कोका गांव से सीख के आया हूँ यार। ओके बुक उठाओ, चलो ठीक है ग्रैनी। मैंने कुछ ज्यादा ही भाई उसको चिल्ला दिया, ग्रैनी फटाफट यहाँ पर आ गई। ओके सबसे पहले हमारी को ग्रैनी को चकमा देना है, क्या ग्रैनी यहाँ पर वापस से आएगी? नहीं आएगी। ओके ग्रैनी, ग्रैनी पीछे तो देखो, ग्रैनी ने हमारे को देख लिया भाई। सबसे पहले हम पलंग की ग्रैनी यहीं पर है। ग्रैनी मेरे को पलंग वाली निंजा टेक्निक तो यूज करने दे यार, उसके बाद मैं तेरे को बताऊंगा मेरे पास कौन सी ट्रिक है यार। ओके इस बार हम दीवार के अंदर घुस जाएंगे यार। क्या कहा तूने भाई? दीवार में छुपने की निंजा टेक्निक भाई, तेरे को सुना नहीं दिया क्या? ओके ये दोनों बटन साथ में दबाने हैं, उसके बाद पलंग वाला ग्लिच हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद ग्रैनी चल फटाफट यहाँ पर आ जा, मैं तेरे को एक धांसू सीक्रेट बताने वाला हूँ यार। ओके यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा कर दिया, ग्रैनी चल आ जाना फटाफट। ग्रैनी ओके ग्रैनी आ गई, चल ठीक है हमारे को यहाँ से जाना है। चल ग्रैनी चलो ठीक है, ग्रैनी अंदर नहीं आ पाएगी मेरे को अच्छी तरह से पता है, और मैं यहाँ से आऊ।
देख रहे हो भाई, मैं दीवार के अंदर हाइड हो गया यार। इसको बोलते हैं दीवार के अंदर घुसने की या फिर दीवार में छुपने की निंजा टेक्निक। ओके, वैसे ये वाला सीक्रेट आपको पता था या नहीं मेरे को कमेंट करके बताना। और वैसे हम दीवार के आर पार भी जा सकते थे बट मैं गया नहीं। ओके, एक और बार ट्राई करते है। ग्रैनी, तूने रास्ते में इतने सारे ट्रैप बिछा दिए। ओके, मैं वापस से ये वाला ग्लिच यूज करेगा। चल ठीक है ग्रैनी। ओके, वापस से यहाँ पर शोर शराबा करो। चला जा ग्रैनी, आजा। मैं वापस से दीवार के आर पार जाएगा, वो भी यहाँ से। चल ठीक है ग्रैनी, आजा आजा आजा। ओके ओके, 1 2 3 भागो। ओके, हम वापस से दीवार में फंस गए भाई, देख रहे हो। इसको बोलते हैं दीवार के अंदर छुपने की निंजा टेक्निक यार। कितनी बार बताऊंगा मैं। ओके, हम यहाँ पर ग्रैनी को देख सकते हैं बट ग्रैनी हमारे को नहीं देख सकते यार, देख रहे हो। और ग्रैनी हाइड हो गई। मैं ग्रैनी को निंजा टेक्निक बता रहा था यार बट ग्रैनी मेरे को निंजा टेक्निक दिखा रही है यार। वो मेरे सामने यहाँ से अदृश्य हो गई भाई, गायब हो गई। ओके, खड़ा बड़ा कमाल का ग्लिच है भाई, देख रहे हो। चलो ठीक है, हम यहाँ से निकल सकते हैं वैसे। ओके, यहाँ से तो नीचे तो नहीं निकल सकते बट यहाँ से ही हमारे को निकलना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है, वंस मोर। ठीक है ग्रैनी, इस बार मैं दीवार के आर पार जाके बताऊंगा। चलो ठीक है, 3 2 1 भागो। मैं दीवार के आर पार तो चला गया था बट ग्रैनी ने मेरे को डंडा मार दिया। यही होगा अगर तू ज्यादा निंजा टेक्निक यूज करेगा तो भाई तेरे को ग्रैनी का डंडा पड़ेगा यार। क्यों, ग्रैनी कोका गांव की हेडमास्टर लगती है क्या कि ये मेरे को निंजा टेक्निक यूज नहीं करने देगी भाई। और वैसे भी ये ग्रैनी के सीक्रेट ग्लिच है भाई, बग, कोई निंजा टेक्निक नहीं है। चलो ठीक है, अब हम आ गए हैं गैराज के अंदर। मैंने यहाँ पर शोर शराबा कर दिया, ग्रैनी कभी भी यहाँ पर आती होगी यार। मैं ग्रैनी से इतना क्यों डर रहा हूँ भाई। चलो ठीक है, ग्रैनी को आने दो। उसके सामने ये वाला ग्लिच, ये वाला सीक्रेट। ग्रैनी आ गई, फटाफट नीचे बैठ। ओके, ये दो बटन साथ में दबाने हैं और हमारा ग्लिच सक्सेसफुली हो गया ग्रैनी। ओ भाई ग्रैनी रुको ना यार, मेरे को ग्लिच एक्टिवेट करने दो ना यार। ग्लिच एक्टिवेट हुआ नहीं था। ओके, ये दोनों बटन साथ में और हो गया। ओके, ये पलंग के नीचे भी हो सकता है और कार के पास भी हो सकता है यार। ओके ग्रैनी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पास एक झांसू आइडिया है, एक सीक्रेट ग्लिच है। चलो ठीक है, ग्रैनी के सामने करेंगे यार, ताकि ग्रैनी को पता चले यार हम कितना इंटेलिजेंट है यार। ओके, हमारे को जाना है यहाँ पर, इस बार पक्का मैं 5 सेकंड में स्केप करके बताएगा। ठीक है ग्रैनी, आ जा। ओके ग्रैनी आ गई। चलो ठीक है ग्रैनी, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। मेरे को यहाँ से जाना है, बस मेरे को जाते हुए खड़े होना। ओ भाई, देख रहे हो यार, कार जाने वाला रास्ता है ना यार, हम वहीं पर आ गए, देख रहे हो। यहाँ से हम आराम से स्केप कर पाएंगे। बट ये क्या हो गया, मैं नीचे चला गया। मेरे को यहाँ से स्केप करना था यार, मैं बिना कार के यहाँ पर आ गया, देख रहे हो दोस्तों। ये था हमारा सीक्रेट ग्लिच। और अगर हम नीचे बैठते हैं, क्या बात है, हम नीचे से ही सब कुछ देख सकते हैं यार। भाई ये तो बवंडर हो गया यार। आओ, मतलब कांजो ने 5 सेकंड में सच्ची में एस्केप कर दिया। ओहो दोस्तों, देख रहे हो यार, सच्ची में भाई हम हाउस से बाहर आ गए यार। नहीं 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 भाई, ये एस्केप नहीं है यार, एस्केप तेरे को करके बताऊंगा। बट ए भाई, कार की डेकी में देखो यार, यहाँ पर आर पार हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कौवे का खाना पड़ा है यार। ओके वैसे आओ, हम और जगह पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें कहाँ पर पड़ी है। ओ भाई, हम यार के पास जाएंगे, वहाँ पर एक कुआ है, कुआ के अंदर कौन सी आइटम है वो भी हमारे को पता चलेगी। और वाओ, ये तो एंजेलिना स्पाइडर का एरिया है भाई, देख रहे हो। कांजो, यहाँ पर एंजेलिना स्पाइडर मेरे को नजर नहीं आ रही है यार, वो कहाँ गई। क्यों, तेरे को मार खानी है क्या, तू इतना उतावला क्यों होता है मार खाने के लिए, मेरे को समझ में नहीं आता है यार। इतना अच्छा सीक्रेट हमने यूज किया है यार, सब कुछ आर पार देख सकते है। और ये रुको रुको रुको, वाओ भाई, यहाँ पर मेरे को तरबूज दिखाई दे रहा है यार, वाटरमेलन। ओके भाई, ये कौन सा एरिया है, मेरे को पता नहीं ये कौन सा एरिया है, दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ, तब तक हम यार के पास जाते हैं। ओके, मेरे को यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमारा ओ भाई, ये है हमारा कुआ, देख रहे हो। और इसके अंदर आओ, बाल्टी भी है और इसके अंदर शेप की है यार। भाई देख रहे हो यार, कुएं के अंदर शेप की है, ये हमने बिना रस्सी को खींचे हुए पता लगा लिया यार। भाई क्या बात है, ये रुको रुको, ये तो हमारा सेवर स्केप है ना। ओ ओके, यहाँ पर बहुत सारी आइटम लगाने के बाद ये वाला डोर खुलता है बट बिना डोर खोले। भाई हम यहाँ से आगे निकल गए बट नहीं, ये भी हमारा स्केप नहीं है। नहीं,
ये हमारा एस्केप नहीं है, मैं आपको एस्केप करके बताऊंगा भाई, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ यार। ओके चलो ठीक है, ये सारी की सारी आइटम हमने देख ली, अब हम मैप के बाहर जाएंगे और इस पूरे के पूरे हाउस को देखेंगे यार कि ये बाहर से कैसा दिखता है। हम वापस से आ गए गैराज के पास और देख रहे हो भाई ये वाली दीवार, इसको हम कार ठोक के तोड़ देते हैं, उसके बाद हमारा एस्केप हो जाता है। तो हम यहाँ से बाहर जाएंगे, अच्छा यार पूरे मैप के बाहर जाएंगे और देखते हैं यार हमारे ग्रैनी का हाउस कैसा दिखता है, और यहाँ से एस्केप भी करेंगे। चलो ठीक है थोड़ा दूर जाएंगे। ओके चलो ठीक है, वाह वाह क्या बात है, ग्रैनी का हाउस तो बाहर कैसे से, अरे रुको रुको, वो ग्रैनी का डोर है ना क्या? वो तो हमारा डोर एस्केप है यार, मतलब हम हाउस के सामने है यार। चलो ठीक है, देख रहे हो भाई ये ग्रैनी का हाउस है यार, बाहर से ऐसा दिखता है। मैं नीचे गिर गया यार, सीधा स्पेस के अंदर, और ये था हमारा एस्केप। पूरे ग्रैनी के हाउस से ही हमने एस्केप कर लिया यार, इसको बोलते हैं स्पेस एस्केप। ओ भाई मजा आ गया दोस्तों यार, अभी भी हम स्पेस के अंदर है, देख रहे हो मैं नीचे गिर रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ नीचे गिरूंगा यार। चलो ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ ग्रैनी के ग्लिच, वैसे आपको कैसे लगे यार मेरे को कमेंट करके बताना, और हाँ यार इनमें से आपको कौन सा पता था ये भी मेरे को कमेंट करके बताना, और थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा अलविदा एंड बाय बाय।